Hello everyone, in this video we will going to discuss types of chemical reaction. जहाँ पर हमने पिछली बार छोड़ा था तो आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैंने टॉपिक लिख दिए हैं. देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के. बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन. ठीक है, क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है. जैसे कि ए बी और प्लस सी की बात कर लेते हैं. यहाँ पर ए भी कोई कंपाउंड है, कोई सॉल्यूशन ले लिया है हमने, और सी कोई एक एलिमेंट ले लिया है. अब ये क्या करेगा, ये इस ए को डिस्प्लेस कर लेगा. क्यों डिस्प्लेस करेगा? क्योंकि ये जो सी है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ए से. दैट्स वाई हमारे पास आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सी बी प्लस ए. ठीक है, अब आगे हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा नहीं, तो इसके लिए हमारे पास एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज़. रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे होते हैं जो ज़्यादा हाई रिएक्टिव है और जो ज़्यादा लो रिएक्टिव है. तो पूरी की पूरी एक सीरीज़ है, आपको लर्न करनी पड़ेगी. मैं लिख के दे देती हूँ आपको. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन. ठीक है, ये एक अलग चलेगा और एक और आगे है. फिर से हम हाइड्रोजन से स्टार्ट कर देते हैं. हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ठीक है, अब ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. इसको लर्न करने का एक और तरीका है, हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है. ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम देन सोडियम कैल्शियम, ये क्या हो रहे हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे एरो इस साइड जा रहा है वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हमारा पोटेशियम रिएक्टिव है. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये पूरी एक ही सीरीज़ है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, प्लैटिनम. और इसको भी एक लर्न करने का तरीका होता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है आपका. ठीक है, ये पूरा लिख देती हूँ मैं आपको ताकि आपको लर्न हो जाए. केदारनाथ का, अब ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर ये जो कैल्शियम है, अब का की स्पेलिंग तो के ए से लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको लर्न करना है उस तरीके से आप लिख सकते हैं. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है. अब यहाँ पर हाय कोर्ट है, ये सारा एक साथ. ठीक है, दैट इज आपका. ये लर्न करने का तरीका है, ये लिखने के लिए नहीं होता, ये बेसिकली आपको ताकि ध्यान रहे, ये उसी के लिए होता है. तो बेसिकली अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाई रिएक्टिव कौन सा है पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है प्लैटिनम. दैट इज इट. अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल्स की. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. अब हमारे पास एग्जांपल है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आयरन ले लिया है हमने. अब आयरन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, और हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है,
आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है कि भाई आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने क्या किया है, कॉपर को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर लिया और खुद आ गया है। ठीक है, इसलिए हमारे पास अब क्या बन गया, पहले क्या था CuSO4, अब देखो आयरन ने कॉपर को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर लिया है तो क्या बन गया है FeSO4, दैट इज़ आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे कि भाई ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, आपने क्या देखा कि भाई कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये क्या है, उसके बाद इसने अपना कलर फेड कर दिया है, ब्लू कलर का नहीं रहा है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जिंक, और ये जो आएगा ये आपके पास आएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये एज अ प्रेसिपिटेट की तरह बन जाएगा आपके पास। मैंने प्रेसिपिटेट आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आई होप ये आपको याद रहेगा, याद होगा, इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। अब ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल ले लिया, जिंक की रिएक्शन हमने करवा दी है, CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। अब इस केस में क्या है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी क्या आएगा हमारा एक्वस फॉर्म में, और ये रहेगा हमारा सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ देखिए जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, अब इसमें क्या चेंजेस हैं, जिंक क्या होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैंने लास्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको बताया था कि जिंक क्या होगा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक क्या करेगा इस कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद आकर बैठ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेड प्लस CuCl2 गिव्स कॉपर क्लोराइड PbCl2 प्लस Cu। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में भी वही काम हुआ है, इसकी सबसे पहले फिजिकल स्टेट लिख देनी है आपने, क्या है फिजिकल स्टेट, नाउ अब लेड, लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अब ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये क्या होगा, ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आकर बैठ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, PbCl2 दैट इज़ लेड क्लोराइड एंड सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कॉपर आ जाएगा। अब इसी तरीके से दो तीन और एग्जांपल हैं, Zn प्लस HCl गिव्स Fe प्लस H2SO4। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ क्या बनेगा, अब क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये क्या करेगा, ये एच को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, ZnCl2 प्लस H2, एंड इन दिस आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये भी तब क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस H2, मतलब आयरन सल्फेट। ये होगी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओवर। नेक्स्ट हमारे पास आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी होती है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें डबल आ जाता है। तो बेसिकली इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यहाँ पर अब आयंस का एक्सचेंज होगा, पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो ऐसे कोई घबराने का वाली बात नहीं है। मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल exchange of ions takes place। अब क्या बोला है इसमें कि ये ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। अब एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे, जैसे हम मान लेते हैं ए बी कोई कंपाउंड, सी डी कोई कंपाउंड है, ठीक है, इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं,
तो ये क्या करेगा, ये आपस में ही ना एक दूसरे का एलिमेंट एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। दैट इज़ आयन्स को की बात कर लेते हैं, मतलब ये अपने अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी डी, ये होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एन ए टू एस ओ फोर, जो आपका एन सी आर टी का एग्जाम्पल है, बी ए सी एल टू, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होगा, ये एक्विस फॉर्म में, ये भी एक्विस फॉर्म में होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने अपने आयन्स एक्सचेंज करेंगे। अब किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या होगा, बेरियम सोडियम की जगह आ जाएगा, तो क्या बनेगा, बी ए एस ओ फोर प्लस एन ए सी एल। अब यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, एक्वस, लेकिन ये किस फॉर्म में आएगा, ये सॉलिड फॉर्म में, दैट इज़ ये एरो का मतलब समझ रहे हैं, प्रेसिपिटेट, और कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ये एक्वस फॉर्म में होगा नाउ, ठीक है। ये हो गई हमारे पास रिएक्शन जिसमें आयन्स एक्सचेंज हो गए। अब जैसे देखो, बेरियम के पास क्या था, क्लोरीन था, और सोडियम के साथ सल्फेट था। यहाँ पर इन्होंने जब आयन्स एक्सचेंज करे तो बेरियम के पास आ गया है सल्फेट एंड सोडियम के पास क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड बन गया है ये और ये बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, दैट इज़ प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए जी एन ओ थ्री, ये एक्विस फॉर्म में होगा, प्लस एन ए सी एल, ये भी एक्विस फॉर्म में ले लेते हैं, है ना, ये एक्विस फॉर्म में ही होंगे। अब जब इनकी रिएक्शन होगी तो ये भी क्या करेंगे, आयन्स को एक्सचेंज करेंगे, दैट मीन्स सोडियम के पास नाइट्रेट आना चाहिए और सिल्वर के पास क्लोरीन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा ए जी सी एल प्लस एन ए एन ओ टू। यहाँ पर क्या है, ये भी ए जी सी एल जो है सिल्वर क्लोराइड, जिसको ये भी क्या बनेंगे, वाइट पी पी टी बनेंगे, दैट इज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। और बाकी सब ये सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा सोडियम नाइट्राइड। नेक्स्ट है, ये हो गए आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ख़त्म। इसके बाद आपकी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद फर्दर जो दूसरी रिएक्शंस होती हैं उनमें से सबसे पहली है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है, इनमें क्या होता है, एक एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर उसमें से एक किसी एलिमेंट में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। तो देख लेते हैं हम दोस रिएक्शन इन विच एनी एलिमेंट गेन्स द ऑक्सीजन और एनी एलिमेंट लूजेस इट्स हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन हम, दोज रिएक्शन रिएक्शंस दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, मतलब ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर ऐसा हो कि हाइड्रोजन का लॉस हो, रिमूवल हो। आगे देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में देखिए हमने क्या लिया है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड।
अब इस केस में क्या होगा, ये जो कॉपर पाउडर है सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको हम हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इसको हीट करेंगे तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक सी कोटिंग आ जाती है, वो जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की। तो दैट मीन्स यहाँ देखिए कॉपर के पास क्या आ गया है, अब ऑक्सीजन आ गया है। तो दैट मीन्स इसमें क्या हुआ है, कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब इसके बाद H2S plus Cl2 gives HCl plus S। अब इस केस में क्या होगा, सल्फर के पास हाइड्रोजन था, अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, तो बेसिकली ये भी क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऐसे ही जिंक प्लस ऑक्सीजन gives ZnO। अब जिंक के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, जिंक ऑक्साइड बन गया है, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ऐसे ही अगर हम HCl को हीट करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है Cl2 और H2 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कि भाई हमें क्या पता चलेगा कि क्लोरीन था पहले, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था लेकिन अब लॉस हो गया हाइड्रोजन का, तो दैट मीन्स इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट हम अपने पास रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, रिडक्शन की। तो बेसिकली रिडक्शन कौन सी होती हैं, रिडक्शंस, ठीक है, ये वो रिएक्शन होती हैं जिनमें कोई एलिमेंट गेन कर लेता है हाइड्रोजन को, या फिर कोई एलिमेंट लूज़ कर देता है ऑक्सीजन को। इस केस में क्या होता है, एडिशन हाइड्रोजन का होता है और रिमूवल किसका होता है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था और इस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोई एलिमेंट जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया है, उसने गेन कर लिया है हाइड्रोजन को, या फिर कोई एलिमेंट है जिसने लूज़ कर दिया है ऑक्सीजन, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर हम कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन को पास करवाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर और कॉपर निकल आएगा, ठीक है। ये पहले मैंने आपको बताया था जो कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। अब उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वाटर बन गया है और कॉपर, तो दैट मीन्स इसने क्या किया है, कॉपर क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को, दैट मीन्स ये क्या है, रिडक्शन। और हमारे पास क्या बन गया, कॉपर जो ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट है आपके पास H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये देखिए क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ है, रिडक्शन। अब इसके बाद आ जाती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, रिडॉक्स, RED, रिडॉक्स, रेड ऑक्स, दैट मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, वो होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही ये रिडक्शन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शंस क्या होती हैं, इन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होता है वो एक साथ होता है, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है आपके पास कि भाई एग्जांपल्स, हमारे कोई एग्जांपल हो, H2S प्लस Cl2, हमने क्या किया है, H2S ले लिया है, ठीक है, एंड ये है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन ले लिया है हमने साथ में। अब हमने क्या किया है, इसकी रिएक्शन कर दी है, तो जब हमें पता चल रहा है क्या बन गया है, HCl एंड सल्फर। तो अब इस केस में क्या देख रहे हैं कि पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, तो लेकिन अब नहीं है, तो दैट मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और इस केस में क्या हुआ है, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन ऐड हो गया है, दैट मीन्स इस केस में क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन होगी, दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हमारे पास बन जाता है वाटर एंड कॉपर, ये पहले वाली ही रिएक्शन है जो हमने ली थी। तो इस केस में देखिए कॉपर के पास ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है, ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये रिडक्शन है। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के पास क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है लेड ऑक्साइड. लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन हमने ले लिया है, तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें बन गया है लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो लेड के पास ऑक्सीजन था लेकिन अब सिर्फ लेड बच गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है. तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है, दिस इज रिडक्शन. कौन सा टाइप है, ये रिडक्शन है. और कार्बन के पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो होल मतलब इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये कौन सा एग्जांपल है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है. ये डाउट में आ रहा था बच्चों को, तो इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं. ये वो रिएक्शंस होती हैं जो बैलेंस्ड नहीं होती, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं होते, या फिर हम ऐसा कह लें कि जो मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल नहीं होता मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल. जैसे आपने नाइन्थ में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही जो भी बनेगा प्रोडक्ट्स में उसका भी इक्वल ही होगा, मतलब दोनों की दोनों का मास क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, ठीक है. तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि भाई अनबैलेंस्ड इक्वेशन मतलब अगर मास इक्वल नहीं है, नो द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स हम क्या कह देते हैं, दिस इज़ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और या फिर आप ऐसे कह लो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. अभी ये अच्छे से समझ लें तो बेटर है. तो यहाँ देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है. अब एग्जांपल में हमने क्या ले लिया है, मैग्नीशियम रिबन लिया है. मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ. तो ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो हमें क्या चेक करना है कि भाई यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एटम या मास जो है इन दोनों रिएक्टेंट का, वो जो भी बना है प्रोडक्ट में उसके इक्वल है कि नहीं. तो हम पहले नंबर ऑफ एटम से चेक कर लेते हैं, ठीक है. और मास से आपको पता ही है कैसे चेक करते हैं, इसका मास ले लो आप, ऑक्सीजन का मास ले लो, इन दोनों को ऐड कर दो, फिर कंबाइंडली इसका भी मास निकाल के इन दोनों को देखिए, फिर उनको डिफ्रेंशिएट करिए कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है. तो अब हम ले लेते हैं एटम्स की हेल्प से. यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले हमें चेक करना पड़ता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं. तो हमने एलिमेंट लिख लिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है. फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पर दैट इज़ रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, और RHS मींस प्रोडक्ट साइड पर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं. तो वहाँ पर कितने कितने नंबर ऑफ एटम हैं मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के. तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट पर बात कर लेते हैं. मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड पर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है. और हमारा प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1. तो यहाँ पर डिफरेंस किस में आ रहा है, ऑक्सीजन में, कि भाई रिएक्टेंट साइड पर तो 2 है और प्रोडक्ट साइड पर 1 है, तो दैट मीन्स ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए. तो ये हो गई हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड नहीं होती है, दैट इज़ इट. अब इसके बाद हम कर लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर एंड प्रोडक्ट साइड पर इक्वल हो जाए तो हम उसको कह देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स become equal to on product
दैट इज़ नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम ऐसा क्यों, भाई मैंने वही बताया था आपको, कंजर्वेशन ऑफ मास नाइन्थ में पढ़ा था आपने। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा, आपने जितने भी रिएक्टेंट्स लिए होंगे, अब जो भी बनेगा प्रोडक्ट साइड पर उसका भी मास उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे पता चले, अब हम ये किस तरीके से करें, तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल है सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सी ओ टू ही बने, सी ओ भी बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। तो इसके लिए एक रूल यूज़ कर लेते हैं हम। क्या रूल होता है, मेटल देन नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मेटल जैसे ले लिए हमने जिंक कॉपर सोडियम एल्युमिनियम और मैनी अदर्स। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन या और भी ले लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये रूल है, रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मेटल, पहले एलिमेंट में, पहले रिएक्शन में देखिए मेटल कहाँ पर है, मेटल कहाँ पर है, और उसके बाद फिर चेक कीजिए नॉन मेटल्स। पहले मेटल्स को बैलेंस कीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर, उसके बाद नॉन मेटल्स को चेक कीजिए कि नॉन मेटल्स कहाँ पर है, फिर उनको बैलेंस किया, फिर से आपने दोबारा क्या करना है, मेटल्स को बैलेंस करना है। जब ये सब हो जाए उसके बाद आपने करना है ऑक्सीजन को बैलेंस, फिर से दोबारा से मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करके देखना है, अगर वो बैलेंस्ड है फिर से फिर आपने चेक करने हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन तीनों को चेक करने के बाद फिर आप हाइड्रोजन पे आएंगे, मतलब लास्ट में हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो अभी हम इस पर बात कर लेते हैं, इसमें तो वही मेटल है नहीं कोई भी, इसमें है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है हमारे पास कार्बन, कार्बन रिएक्टेंट साइड पर वन है, प्रोडक्ट पे भी वन है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऑक्सीजन पे क्या है, अब हो गए हमारे नॉन मेटल तो यही है, नॉन मेटल बैलेंस्ड है। अब हम ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं टू, और यहाँ पर कितना है वन। तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने कर लेते हैं, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन टू है और यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर टू लगा दिया। अब फिर से हम क्या चेक करेंगे, भाई मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल को चेक कर लेते हैं। तो नॉन मेटल है तो यहाँ पर कितने हैं, कार्बन वन और यहाँ पर टू, ओहो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लगा दिया हमने टू। अब फिर से दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास नॉन मेटल कार्बन है, नॉन मेटल कार्बन है तो कितने हैं यहाँ पर टू, प्रोडक्ट साइड पर कार्बन कितना है टू, ऑक्सीजन टू, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है टू। अब ये जो टू होता है ये होल अगर आगे लगा हुआ है किसी कंपाउंड पर, तो मतलब ये पूरे के पूरे कंपाउंड पर ही मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, दैट इज इट। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल मैग्नीशियम नाइट्राइट प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ये अमोनिया की प्रिपरेशन होती है, अमोनिया गैस निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितने हैं, थ्री। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, मेटल। तो मेटल कौन है यहाँ पर पूरे में, रिएक्टेंट साइड पर देखिए मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम है तो रिएक्टेंट साइड पर मैग्नीशियम कितने हैं, थ्री, और प्रोडक्ट साइड पर मैग्नीशियम कितना है, वन। ये जो टू है ये इसके साथ का है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, वन। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया थ्री। इसके बाद हमने क्या किया है, अब हम चेक करेंगे नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या है नॉन मेटल, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, और यहाँ पर कितने हैं, वन। तो इन्हें भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं टू। अब फिर से दोबारा से मेटल्स को चेक करते हैं, मेटल कितने हैं यहाँ पर, थ्री, यहाँ पर भी थ्री है, नॉन मेटल टू है यहाँ पर, नाइट्रोजन टू है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन टू। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीजन वन है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, टू, टू इंटू थ्री, ये थ्री होल के साथ है, टू थ्री सिक्स, सिक्स हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, सिक्स लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर सिक्स एच टू। फिर से दोबारा से चेक कर लेते हैं कि भाई मेटल और नॉन मेटल कितने हैं,
मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, फिटूजा 6, मतलब ये 2 O के साथ भी है, H के साथ भी है, तो मतलब 2, 3, 6, और ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन होते हैं सबस्ट्रेट एंड जो आगे हमारे पास वेरी कॉन्सोनेंट आई मीन कॉन्सोनेंट नहीं कॉन्स्टेंट जो लगा होता है उससे मल्टीप्लिकेशन होता है. तो ये हो गया 6. तो 6 अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन के ऊपर. हाइड्रोजन कितने हैं? 6 2 12, 12 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 + 2 3 6 हाइड्रोजन प्लस 6 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, तो ये भी बैलेंस्ड है. अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम. CuO प्लस NH3 गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O. अब इसे बैलेंस करना है तो हमें वही रूल अप्लाई करना है, मेटल देन नॉन मेटल, ठीक है, फिर से मेटल चेक करना है, फिर नॉन मेटल चेक करना है, देन आपने ऑक्सीजन के पास आना है. तो यहाँ पर मेटल कौन सा है? कॉपर, कॉपर मेटल है. कॉपर कितना है यहाँ पर? 1 है, यहाँ पर भी 1 है. अब हमारे पास नॉन मेटल कौन सा है? नाइट्रोजन है, नॉन मेटल नाइट्रोजन है यहाँ पर नॉन मेटल, और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 1 है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं? 2 हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए. फिर से हमने क्या चेक करना है? मेटल को चेक करना है. कॉपर कितना है? 1 है, यहाँ पर भी कॉपर 1 है. फिर नाइट्रोजन, नॉन मेटल कितना है? नॉन मेटल नाइट्रोजन N, ठीक है, 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 है. ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1 है, और यहाँ पर भी कितना है? 1 है, ठीक है, बैलेंस है. इसके बाद आ जाते हैं हम हाइड्रोजन पे. अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 3 6. ओके, अब यहाँ पर है 2. अब ये तो गड़बड़ हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, तो हम ऐसा क्या लगाएं कि यहाँ पर 6 हो जाए? अगर हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 2 6 6 आ जाएगा यहाँ पर, और हमें हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. लेकिन हमें फिर से मेटल चेक करने पड़ेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन चेक करना है. मेटल कितने हैं यहाँ पर? 1, कॉपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है. अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2 है, तो ठीक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है. अब ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है. यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 3. अब जब भी हम कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, हम फिर से दोबारा से चेक करते हैं. यहाँ पर मेटल कितने हैं? यहाँ पर मेटल है रिएक्टेंट साइड पर 3, और यहाँ पर 1, तो हमें यहाँ पर भी बैलेंस करना पड़ेगा. ये हो जाएगा 3. नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पर कौन सा है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है. ओके, बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 3 है. हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 6. हेंस इट इज़ बैलेंस्ड. अब ये बैलेंस हो चुकी है. अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. Al4C3 प्लस H2O gives CH4 प्लस AlOH होल थ्राइस. अब ये हमने ले लिया है, ठीक है. अब यहाँ पर हम चेक करेंगे मेटल, फिर नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन. चेक कर लेते हैं. मेटल 4, एल्यूमिनियम 4 है यहाँ पर, यहाँ पर 1 है, तो हमने क्या कर दिया ऐड? यहाँ पर 4 लगा दिया है. अब हमारे पास नॉन मेटल चेक कर लेते हैं. नॉन मेटल यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा. फिर से हम चेक करते हैं कि मेटल कितने हैं. मेटल 4 है यहाँ पर, दैट इज़ एल्यूमिनियम 4 है. एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 4 है, कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है. अब आ जाते हैं हम ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 1, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 3 × 4 = 12 हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 12 लगाना पड़ेगा. अब फिर से चेक कर लेते हैं कि भाई और किसी में चेंजेस तो नहीं आ गए हैं ऑक्सीजन की वजह से. तो एल्यूमिनियम 4 है यहाँ पर, यहाँ पर भी 4 है, कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 12 है, 3 4 12. अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन के ऊपर. हाइड्रोजन 24 है, तो यहाँ पर कितने हैं? 3 4 12,
हाइड्रोजन एंड 3 4s are 12 हाइड्रोजन, तो ये हो गए 24 हाइड्रोजन। दैट मीन्स यहाँ पर भी 24 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 24 हाइड्रोजन है, तो ये हो गई है बैलेंस्ड। अब एक और एग्जांपल दे देती हूँ जो आप लोग करोगे। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये आप लोग करोगे, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल। दिस इज़ इनकम्प्लीट, मैं लिख देती हूँ कहीं आप भूल जाओ, ठीक है। अगर डाउट लगता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे करें, अब यहाँ देखिए मेटल है नहीं, नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2 ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 2 4 और ये 5, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है। अब ये 5 लेके कैसे आए, किस तरीके से लेके आए, अगर यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 है फिर भी, अगर यहाँ पर 3 लगाते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है फिर भी, तो किस तरीके से करें। तो हमारे पास एक तरीका होता है, हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन में लिख देते हैं 5/2। अब आपको पता है 5/2 × 2 तो कितना हो गया 5, तो दैट मीन्स 5/2 और ऑक्सीजन कितना है 2, तो मल्टीप्लिकेशन होता है ये आपको पता ही है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल और 5/2। हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है, कर सकते हैं इस तरीके से भी, लेकिन ये ना देखने में अच्छी नहीं लगती। तो हम क्या कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या है, 6H6 प्लस 5O2 प्लस H2, ठीक है। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितने हैं, सॉरी ये 2 है, 4 कार्बन, ऑक्सीजन 10 हो गए, 8 9 10 10 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 12, यहाँ पर 4, ये दिक्कत है। तो अब क्या करें ऐसा कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो जाए, तो अगर हम ऐसा कर दें 3, यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 are 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12, फिर से ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 10, यहाँ पर कितने हो गए 4s are 8 और 6 8 plus 6 14, ठीक है, तो यहाँ पर तो 14 हो गए। अब किस तरीके से करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O, 4 कार्बन ऑक्सीजन 14, 8 एंड 6 14, हाइड्रोजन 12, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड। अब एक और इसी तरीके की रिएक्शन है जो आप लोग करोगे, FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2, ये भी आपने इसी तरीके से करनी है, तो ये आप लोग खुद करोगे, इनकम्प्लीट, ठीक है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये आप खुद करोगे। एक आती है बहुत अच्छी सी इक्वेशन जो आपने अगर बैलेंस करनी है, देखिए S प्लस
HNO3, फिर H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2। ये थोड़ी सी ये अभी तक की सबसे अच्छी इक्वेशन है। मीन्स मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड कैसे है? मतलब गिवअप नहीं करना है आपको, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी है कि भाई थोड़ी हुई उसके बाद नहीं हो रही है तो करनी नहीं है, ये करके देखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सल्फ़र की। ये है हमारा, यहाँ पर दो नॉन मेटल है, किसी से भी शुरू कर लो आप। नॉन मेटल है यहाँ पर सल्फ़र, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है, ओके। अब यहाँ पर हम दूसरे नॉन मेटल की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन वन है, ठीक है। अब देन उसके बाद आ जाते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर थ्री है, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं? फोर, सिक्स, सेवन। ये तो फिर वही हो गया सेवन, ठीक है, यहाँ पर सेवन है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ हो जाए सेवन हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा फ्रैक्शन लगाओ, और भी तरीके से कर सकते हैं। सेवन तो कैसे हो जाएगा सेवन, यहाँ पर टू थ्री ज़ा सिक्स कम पड़ रहा है, तो ये अगर यहाँ पर हम थ्री लगा के देख लें, ज़्यादा देख लें, थ्री नाइन हो गया है ना, तो भाई नाइन हो गया तो यहाँ कम हो गया है। तो यहाँ पर नॉन मेटल देख लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। सल्फर वन है, नाइट्रोजन थ्री हो गया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? थ्री लगाना पड़ेगा। अब दोबारा चेक कर लेते हैं कि भाई सल्फर वन, ठीक है, दोनों साइड नाइट्रोजन थ्री, यहाँ पर भी नाइट्रोजन थ्री। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है? नाइन, और यहाँ पर आ गए हैं थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, इलेवन, यहाँ पर तो इलेवन हो गया ऑक्सीजन। अब हम ऐसा करते हैं, अब यहाँ पर इलेवन हो गए हैं तो इसको हटा के हम कर लेते हैं फोर, चेक कर लेते हैं, ठीक है। फोर डाल के देख लेते हैं एक बार कि भाई आता है कि नहीं, बड़ा नंबर ले लेंगे इससे, मतलब जो आ रहा होगा ना यहाँ पे इलेवन आ रहा था, तो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो एक और नंबर बढ़ा के ले लेंगे कि जो भी आएगा मल्टीप्लीकेशन करके वो ट्वेल्व बड़ा करके देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर हो गया ट्वेल्व, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर फोर नाइट्रोजन हो गए हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या करने का क्या करना पड़ेगा? फोर, ठीक है। तो भाई यहाँ फोर तो हो गया, अब ऑक्सीजन फिर अनबैलेंस हो गए होंगे शायद, देख लेते हैं। सल्फर वन, नाइट्रोजन फोर, नाइट्रोजन फोर, ऑक्सीजन फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर टू ज़ा एट, एट एंड फोर ट्वेल्व, थर्टीन, यहाँ पर तो थर्टीन हो गया। अब हम क्या करें? अब इसकी जगह अगर हम इससे और बड़ा नंबर ले लेते हैं फाइव, ठीक है, थर्टीन से बड़ा, तो क्या आएगा? फाइव, थ्री फाइव ज़ा अगर हम फिफ्टीन करें, फाइव आ गया। तो यहाँ पे हमें फिर से दोबारा से बैलेंस करने पड़ेंगे, पहले नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन। नॉन मेटल के अंदर सल्फर वन, नाइट्रोजन फाइव हो गए यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पर फोर है, तो इसको भी काट के हमें क्या करना पड़ेगा? फाइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, अब यहाँ पर फिफ्टीन हो गए, ठीक है, फोर टेन फोर्टीन फिफ्टीन, यहाँ पर भी फिफ्टीन, वेरी नाइस, ठीक है। अब ये हो गए हमारे फिफ्टीन, डन, ओके, ये हो गए हमारे ऑक्सीजन बैलेंस। फिर अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, कितने? फाइव है हाइड्रोजन, और यहाँ पर टू, यहाँ पर फोर। अब फिर से हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फाइव है और यहाँ पर फोर है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम इसमें चेंजेस कर लें, या फिर हम इसमें चेंजेस कर लें, ठीक है, किसी एक में चेंजेस कर लें जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। लेकिन अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं तो हमें और भी देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट और जुड़े हुए हैं, सल्फर जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इन सब कुछ अब यहाँ पर हम इसको काट कर देते हैं सिक्स, और यहाँ पर भी कर देते हैं हम सिक्स, ठीक है। अब दोबारा चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, सल्फर वन, ओके, सल्फर वन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हमारे पास क्या है, सिक्स, सिक्स, ओके, डन। ऑक्सीजन सिक्स थ्री से एटीन, फोर प्लस ट्वेल्व, फोर प्लस ट्वेल्व सिक्सटीन, प्लस टू एटीन, एटीन हो गया, ठीक है, एटीन हाइड्रोजन, सिक्स हाइड्रोजन, और टू प्लस फोर, ये भी हो गए सिक्स हाइड्रोजन। तो ये हो गए हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर ख़त्म। और भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा अगर आपको मिले, ठीक है, ऐप में आपको दे रखे होंगे, असाइनमेंट्स दे रखे होंगे, उसमें चेक कीजिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको बैलेंस करके देखिए किस तरीके से